साई राम, जय साई राम। सभी साई भक्तों को मैं साई अनु की तरफ से जय साई राम। बाबा के श्री चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ। बाबा के लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है हमारे पास। तो आज कल हमने आपसे शेयर किया था अपना अनुभव जो मेरे साथ हो चुका है, और मैं जितने भी साईं भक्त हैं सभी से, ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके साईं सर चरित्र का पाठ करें, और क्योंकि साईं सर चरित्र में हमें बाबा से जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसका सब जवाब, सारे क्वेश्चन का जवाब हमें साईं सर चरित्र में मिल जाता है। आपके मन में कोई सवाल है बाबा आपको उसके जरिए दे देंगे। आप यकीन मानिए आप साईं सर चरित्र का पाठ करें, बाबा की लीला आपको देख सकेंगे। और जिन भक्तों जो साईं भक्त हैं यदि उनके पास उदी है और किसी ज़रूरतमंद को चाहिए तो प्लीज़ उस तक उदी पहुँचाएँ, क्योंकि बाबा जो दूसरों की हेल्प करता है बाबा उसकी हेल्प करते हैं, बाबा उसके हमेशा साथ रहते हैं। तो अगर आपको बाबा को पाना है तो पहले अपने आप को कोमल और दयालु बनाना पड़ेगा। अपने अंदर से एटीट्यूड नाम की चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए। जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है उसे हेल्प करें और साईं सर चरित्र का पाठ करें। साईं सर चरित्र आपको इस टाइम तो जिनके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल पे भी जाके उसका पाठ कर सकते हैं। गूगल पे साईं सर चरित्र अध्याय एक, अध्याय दो, जितने भी अध्याय सारे आ जाएंगे। आप गूगल से PDF पे पढ़ सकते हैं। रुके नहीं, पाठ करें। यदि आपके पास साईं सर चरित्र की बुक नहीं है, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। देखिए ये मेरे पास साईं सर चरित्र की बुक है, साईं सर चरित्र बाबा। ये आपको साईं संस्थान से बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, कोई शुल्क नहीं है इसका। आप साईं संस्थान से बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं, कोई इसका पैसा नहीं लेगा आपसे। और इसका पाठ करने से आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं भी करती हूँ और जितने भी साईं भक्त होंगे सभी करते होंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो इसका पाठ कीजिए, बाबा आपके हमेशा साथ रहेंगे। ये बाबा ही हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और इसमें बाबा हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे साथ रहते हैं। और आप भी इसका पाठ करिए, लगातार इसका पाठ कीजिए, तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि बाबा कैसे अपने भक्तों के साथ भागे भागे चले आते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगी आज मैं। आप बाबा से जुड़े रहें, बाबा के प्रति श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, बाबा खुद आपके पास भागे भागे चले आएंगे। तो जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, श्रद्धा सबरी बाबा को बहुत प्रिय है, और बाबा से जुड़ने के लिए हमें भी इनका अध्ययन करना चाहिए। और आप साईं सर चरित्र का पाठ जरूर करें। यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो आप PDF पढ़ें, गूगल पे जाएं, बिल्कुल ईजी से मिल जाएगी आपको ये। अध्याय एक से शुरू करें, बाबा की लीलाएँ पढ़ना शुरू करें, देखिए आपकी ज़िंदगी में भी लीला होनी शुरू हो जाएगी। तो आइए मैं आपको अपने बाबा के दर्शन कराती हूँ। जाते जाते मैं आपको अपने बाबा के दर्शन करा के जाऊँगी। और यदि आपके मन में कोई सवाल है बाबा के प्रति तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे आसपास हैं तो हम आपको उदी ज़रूर देंगे, अगर हमारे से हो सकेगा तो। और रही बात दूसरी, यदि कोई भूखा है तो उसे भोजन जरूर कराएं, क्योंकि बाबा के साईं सहस्त्र आप पढ़ेंगे तो बाबा की जीवनी में लिखा है कि अन्नदान महादान है, और बाबा को बहुत पसंद था, बाबा अपने हाथों से बनाकर गरीबों को भोजन खिलाते थे। तो जब आप जीवनी पढ़ेंगे बाबा की तो उसमें सब कुछ, साईंनाथ जब थे तो उसका वर्णन किया गया है, हेमांड पंथी द्वारा रचित है ये। तो आप ज़रूर पढ़ें और पढ़ के मुझे अपनी एक्सपीरियंस बताएं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम। ये देखिए मेरे क्यूट से बाबा हैं, बहुत क्यूट बाबा हैं हमारे। बाबा हमारी सारी विशेष पूरी करते हैं, बाबा के चरण पादुका। देखिए मिलिए मेरे बाबा से, बाबा मेरे बहुत क्यूट से हैं और मेरे सारे विशेष को तुरंत पूरा कर देते हैं।
पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत होती है मेरी झट से ले लेते हैं, अभी मुझे किसी चीज़ का फील ही नहीं होने देते। मैं जो मन में ठानती हूँ मेरे बाबा तुरंत मुझे करके दे देते हैं। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा, आई लव यू बाबा। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बाबा से। आप भी प्यार करें और देखिए फिर बाबा कैसे आपसे प्यार करते हैं। ओम साई राम, जय साई।